हेलो। हेलो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कौन? रसू खान बोल रहे हो? भाई। रसू खान बोल रहे हो? रसू खान, नहीं भाई, रॉन्ग नंबर है। हाँ, अफसु खान ही तो बोल रहे हो। अच्छा, तो नाम ठीक से बोलो ना, तोतले हो क्या? कौन इसमें तोतले वाली क्या बात है? रसू बोल खान, रहे भाई, रसू नाम खान। बताओ अपना, टाइम पास मत करो। टाइम पास तो यार तुम करते हो ना लोगों के साथ में, हाँ मुनाजरे के तो नाम भाई, पे आपका लोगों टाइम पास अच्छा से हो रहा है झगड़ा ना, तो करते। आराम से अपना टाइम पास करते रहिए, मेरा राशिद टाइम रजा पास बोल रहा करो, हूँ मैं, ठीक है? हाँ, राशिद रजा। तो क्या करें, क्या करें, नाम तो ऐसा बता रहे हो, लग रहा है बहुत, मतलब तुम फेमस अल्लामा हो यार, पहली बार तुम्हारा नाम सुन अब जरूरी है रहे कि हैं। फेमस होने के अरे यार, हाँ हद क्या तो काम तुम कर रहे बताइए। हो ना, हद तो तुम कर रहे हो। अब जरूरी है कोई फेमस होगा तभी नाम बताया जाएगा। अरे भाई, कोई काम है? आपने काहे के लिए फोन किया है? हाँ, बात ही करनी है मुझे, बात करने के लिए मैंने कॉल किया। क्या बात है? और 5 ही दिन से कॉल कर रहा हूँ, रिसीव नहीं कर रहे हो। हाँ तो भाई, टाइम नहीं था ना। अच्छा, अरे इतने बिजी हो मुनाजरे में? वो इससे आपको मतलब नहीं है, आप अपना काम बताइए मेरे भाई। अरे तो हाँ, बात करने के लिए तो कॉल किया ना मैंने, क्या बहुत बात करनी है, शर्त बात करते हैं ना। बताओगे? काहे काहे के के लिए फोन किया? बात करने के लिए फोन किया है ना, बहुत अरे तो आपसे बात तो करो बदतमीजी ना, क्या करते बात रहते हैं। करनी है? बिदत और शिर्क बहुत फैलाते हो ना तुम लोग, सुनने पे तोहमते लगाते हो, जो लाइन है उनकी रिकॉर्डिंग अरे करके तो क्यों अपलोड मिर्चे करते लग हो। रहे हैं? अगर इतने मिर्चे लग रहे हैं तो शिर्क करना छोड़ दो, बिदत करना छोड़ दो, अच्छा, तुमको कहना छोड़ देंगे। नहीं तो हम कौन सा शिर्क और बिदत करते हैं जरा बताओगे? तो कौन सी तौहीद और कौन सी मेरे भाई सुन्नत के ऊपर तुम अमल कर रहे हो, बताओगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत व जमात हैं, सुन्नतों पर अमल ही करते हैं और कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा अमल करने की। लेकिन जो अच्छी शिर्क बिदत में करना फतवे जायज है लगाते कि नहीं हो, आपके यहाँ? अच्छी बिदत करना जायज है कि नहीं आपके यहाँ? हाँ तो अच्छी बिदत ही करते हैं, उसी पे अमल तो करते अच्छी हैं। बिदत करने वालों को कहते हैं अच्छा बिदती। आप अच्छा अच्छे बिदती हो, अहले सुन्नत वाल जमात से खारिज। अच्छा ये कहाँ पे लिखा हुआ है? अरे मेरे भाई, अच्छी बिदत करने वाला अच्छा बिदती, तो तुम अच्छे बिदती हो, अच्छे बिदती मेरे, अच्छे बिदती। तो भाई, अहले सुन्नत वाल जमात तो अहले हदीस है, जो आपके पीरों के पीर पिराने पीर ने कह दिया है कि अहले सुन्नत वाल जमात का एक ही नाम है, वो है अहले हदीस। अब अच्छा, आप इतने बड़े जाहिल हो, अच्छी बिदत करने वाले अच्छे बिदती हो, और नाम अपना लगा देते हो कि हम अहले बेवकूफ सुन्नत है। इंसान वो जो गौसे आजम की जो मिसाल दे रहे हो, एक पीराने पीर गौसे की आजम मिसाल। नहीं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्ला, ठीक है? ठीक है गौसे आजम ठीक है, उनका नाम नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्ला, जो उनकी मिसाल दे रहे हो, जो उनके अहवाल हैं, जो उन्होंने करा है, जो भी उन्होंने किताबें लिखी हैं, कि उनकी पूरी बातों पे अमल करोगे या जो मतलब की उसी पे अमल करोगे, अरे जो सही होगी जो उस पर तुम्हारे अमल मतलब करेंगे की ना उसी पे अमल जाहिल आदमी। करोगे? अरे बेवकूफ इंसान, जाहिल कहते किसे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है भाई। जाहिल कहते हैं मुकल्लिद को, और इसके ऊपर अहले इल्म का इज्मा है, अच्छा, और जो इज्मा को ना माने वो काफिर है। कौन से अहले? अब इज्मे पे बात चल रही है, तुम तो अहले हाँ, हदीस हो ना, इब्ने सिर्फ कय्यूम कुरान रहीमुल्लाह कुरान और हदीस को फरमाते मानते हैं हो ना। कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इत्तेफाक है। तुम इज्मा कब से मानने लगे? अहले खबीस कब से इज्मा कर मेरे मानने नबी ने लगे? फरमाया, मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पे जमा नहीं होगी, तो हम लोग तो इज्मा मानते ही हैं। तुम लोग इज्मा को नहीं मानते हो ना? कौन, किसने कहा? हम इज्मा मानते हैं, कुरान और हदीस को मानते हैं, इज्मा उम्मत कुरान हदीस मानते हैं, तुम्हारे क्यों लिए नहीं हुज्जत मानते हैं? नहीं है, तुम्हारे लिए इमाम का कौल हुज्जत है। तुम्हारे साबित हनफी करो ना, आलिमों एक ने कहा मिनट है कि एक मिनट, मुकल्लिद जाहिल होता है, उसके लिए इमाम का कौल हुज्जत है। तुमसे किसने कहा कि हम कुरान और हदीस को नहीं माने? साबित करोगे? अगर एक माइक के लाल हाँ मैंने मेरे भाई, चिल्लाया तुम्हारे आपसे, उसूले अल खरकी सफा नंबर 7 पे लिखा हुआ है कि अगर हमारे मसलक के आड़े अगर कोई कुरान की आयत आएगी या अल्लाह के नबी की ये हदीस इसके आएगी मुसन्निफ कौन है? तो जो उसमें तावील किताब करेंगे, को बोल रहे ताबील हो, करके ये अस्सी कर मुसन्निफ करके कौन है उसको अपने इसके? मसलक के काबिल बनाएंगे। अब अगर सुनोगे वो भी हमारे अपने मसलक रामायण के काबिल बन सुनो, गई तो उसके ऊपर अमल होगा, वरना उस कुरान की आयत या उस अल्लाह की नबी की हदीस को मनसूख समझा जाएगा माजल्ला। अरे तो सुनोगे तुम भी, लोग तो सुनो इतने बड़े जाहिल हो अबे कि बेवकूफ, तुम्हारे सुनेगा मसलक के भी आड़े अगर कोई कुरान की आयत भी आ जाएगी जाहिल तो आजम, मनसूख कर सुनेगा दोगे भी भाई? अब, सुनेगा भी, अपनी बकवास करता भाई रहेगा। जाहिल कुरान शरीफ बार आजम बार जो है वो कुरान होते शरीफ हैं का लफ्ज जो मुकल्लिद। इस्तेमाल कुरान शरीफ का लफ्ज जो इस्तेमाल कर रहा है, तो जो आउज़ु बिल्ला आती है सही तरीके से, तजवीद के साथ तुमको में पढ़नी आती है? आती है, तो तावुज़ तस्मी आती है। कोंडे को अरबी में क्या कहते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ,
कोंडे के बात पे जो मेरे बात को क्या पता तुम क्या बोल रहे हो ना, बोल लो तुमको पता होगा ना, तो ये बताओ कोंडे को अरबी में क्या कहते हैं? अरे ताऊदो तस्मी आती है आपको, नहीं आती तो अरबी सिखाओ ना मुझे, कोंडे को अरबी में क्या कहते हैं? कुरान शरीफ को बोल रहे हो तुम, कुरान शरीफ आता है? अरे तो कोंडे भी तो तुम्हारा दीन है ना, तुम्हारी भाई कोंडे की नहीं, आज कोंडे की बात है तो कोंडे को अरबी में क्या कहते हैं? कोंडे की बात कहाँ से आ गई? वो बात मेरे भाई करो ना, तो ये भाई ताउस की और तस्मिया की बात कहाँ से आ गई? आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं आती है तुमको? आउज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह की बात कहाँ से आ गई? कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता है क्या? नहीं तो तुमको कोंडे को अरबी में क्या कहते हैं? कुरान शरीफ के हम लोग बताओ, कैसा बरेली अच्छा भी देती है जो कोंडा मनाता है लेकिन कोंडे को अरबी में क्या कहते हैं ये नहीं मानता। सही कहा है मेरे भाई, मोदी की मुकल्लिद जाहिल होता है, बिल्कुल सही कहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मुकल्लिद अपनी जबान से अपने अमाल से साबित कर देता है कि वो जाहिल है गुमराह है। अपनी ही बकवास करेगा, सामने वाले की सुनेगा भी? तो मेरे भाई तुम्हारी तो सुन रहे हैं तभी तो जवाब दे रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम के बारे में, हजरत उमर फारूक आजम को भी बोलेगा क्या गलत? क्या उन्होंने भी इस तरह तरावी शुरू नहीं? हमारे खुलफाए राशिदीन में से है अल्हम्दुलिल्लाह, हम उनकी हर बात मानते हैं। तो उमर रजी अल्लाह तआला नमाज में रफादान करते थे, तुम लोग क्यों नहीं करते जाहिल? बेवकूफ आदमी जब भी उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया तो भाई तो रफादान है, ये नमाज की जीनत है, नमाज की खूबसूरती है, क्यों नहीं अमल करते हो नमाज की? अपनी ही बकवास कर रहे हो, अमल करते हो सहाबा को क्यों नहीं मानते हो? बिदअत की वो बोल रहा है, तुम्हारे हनफी फिका में उतरा हुआ है कितने सारे सहाबा, वो भाई गहरे फकी थे, मतलब वो फकी नहीं थे, मतलब सहाबा फकी नहीं थे और तुम्हारे इमाम साहब फकी हो गए। तौबा तौबा तौबा, सहाबा के गुस्ताख। अबे सहाबा के गुस्ताख तुम लोग हो और गुस्ताख के रसूल भी तुम लोग हो। देखो मुंह से हवाई फायरिंग करने से कुछ नहीं होगा, दलील दो, हाथ बुरा तो अपना सबूत पेश करो। अबे अभी जो बोला तुमने, जो कहा कि बिदती तुम अच्छे बिदती हो, क्या बोला? अरे तो अच्छे बिदत करने वाला अच्छा बिदती होगा ना, ये तो दुनिया जानती है, छोटा बच्चा भी जानता है, अंगूठा चूसने वाला जो बच्चा टहलता है गली में उसको भी पता है कि अच्छी बिदत करने वाला अच्छा बिदती होता है, कि अच्छा बिदती और गुमराही है। क्या बोला था अभी? और अच्छा बिदती मेरा अच्छा बिदती, जो अच्छी बिदत करता है वो अच्छा बिदती होता है, अहले सुन्नत वल जमात से खारिज होता है। खारिज होता है तो मतलब तेरे नजदीक हजरत उमर फारूक आजम जो तो अच्छे बिदती थोड़ी ना थे, वो तो अहले सुन्नत मुत्तबे सुन्नत जो है उन्होंने शुरू की थी, तो वो तेरे नजदीक उमर रजी अल्लाह तआला की बिदती का फतवा लगा दिया तूने? जाहिल आजम तू बोल रहा है कि अच्छे बिदती, बिदती की बात चल रही है ना यहाँ पे, बिदती की बात चल रही है, तो बता अच्छा कौन सी अच्छी बिदत उमर रजी अल्लाह तआला ने बनाया? कौन सा पूजा बनाया? कौन सा चालीसवा बनाया? कौन सी चट्टी बनाई? कौन सा भाई वो चिल्ला बनाया? कौन सी ग्यारहवीं बारहवीं तेरहवीं बनवाई? कौन सा नब्बे का बर्थडे बनाया? जो ये बकवास कर रहा है तो साबित कर देना इनको, कुरान और हदीस ही साबित कर दे। चल अगर मैं क्यों साबित करूँ, मनाता तू है और उसकी दलील पहले हदीसों से भीख मांग रहा है? अहले सुन्नत पहले ही इन चीजों का जवाब दे, अहले सुन्नत वल जमात इसका रद्द, पहले हदीस है, अबे बरेली बिदती मुशरिक अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। कुछ तो साबित कर, बकवास ही कर जाएगा बकवास करने के अलावा। अरे मेरे भाई आपने फोन किया है ना बात करने के लिए, तो साबित आप करेंगे ना, मैं तो खाली बात करूंगा। तो कम से अभी मैंने आपसे पहले पूछा था कि आपने फोन भाई काहे के लिए किया है, तो आपने कहा कि हमको बात करना है, तो मैं बात कर रहा हूँ। अब साबित तुम करो ना। क्या साबित करो? जो तुम बोल रहे हो बिदती नहीं, साबित करो। तुमने तो बोला कि इस्लाम से खारिज है, तो माज़ अल्लाह के सहाबा इकराम पे भी उंगली उठाओ। कान में सांडे का तेल डाल के बात कर। मैंने कहा अच्छा बिदती अहले सुन्नत वल जमात से बाहर है, खारिज है, इस्लाम से खारिज नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है, तो सहाबा इकराम ने जो हजरत उमर फारूक आजम ने किया वो उनके बारे में क्या ख्याल है? तो बताना कौन सी उन्होंने अच्छी बिदत कर दी दीन में? तरावी जब पढ़ाई थी तो आपने नहीं कहा था? तरावी पढ़ाई थी उन्होंने, अच्छी बिदत है। कब पढ़ाई थी तरावी उन्होंने? 20 रकअत तरावी जब एजाज तरावी तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मौजूद ही नहीं थी, तो उन्होंने पढ़ा कैसे थी तरावी? पढ़ाने की बात कर रहा हूँ मैं, जब आपने जाहिल दलील देगा तरावी जब मौजूद ही नहीं थी उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पे, तो उन्होंने कैसे पढ़ा दी? हाँ क्या उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में जो तरावी थी ये भाई मौजूद ही नहीं थी। क्या मौजूद नहीं थी? तरावी की नमाज। कौन कह रहा है? अबे हदीसों में आया है। कौन सी हदीस में आया? तमाम हदीसों में आया है। कौन सी हदीस में आया है कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तरावी पढ़ाई?
मिश्कात शरीफ की हदीस में नहीं है बिदत के बारे में जो बोल रहा है हजरत हजरत क़यामुल्लैल ने कहा था वो क़यामुल्लैल है जाहिल आदमी। अबे बेवकूफ जो इस्लाम में किसी अच्छे तरीके के दौर में तरावी का अल्फाजी भाई ये इस्तेमाल बिदत की बात नहीं होता है। बेवकूफ इंसान बोल रहा है कि बिदत के बारे में तरावी का जो अल्फाज है वो उर्फ़े आम में मुहद्दिसीन ने इस्तेमाल किया है समझाने के लिए। इस नमाज का जो एक्चुअल नाम है वो नाम है क़यामुल्लैल यानी कि रात की नमाज। अगर कोई इंसान ईशा के फौरन बाद अगर नमाज पढ़ता है और चार चार रकात के बाद आराम करता है तो इसको उर्फ़े आम में कहते हैं तरावी। और अगर इसी रात की नमाज को अगर कोई रात के तीसरे पहर में पढ़ता है तो इसको कहते हैं तहज्जुद। ये दोनों नमाजें एक ही हैं बस वक्त के हिसाब से इसके नाम बदल जाते हैं जाहिल आदमी। अबे नाम तुम अपने मतलब बेवकूफ आदमी ये बिदत कैसे हुई ये बता पहले तू। ये बिदत की बात जो बोल रहा है ना मुस्लिम शरीफ में भी है और मिश्कात शरीफ में भी हजरत छोड़ तू बहुत बड़ा बदमाश है तू ये बता कौन से हरामी है तू। मिश्कात शरीफ में बिदत के बारे में कहा है अबे उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने कहा जाहिल आदमी बताएगा उमर रजी अल्लाह तआला उन्होंने कहा जो लगा रहा है तो तरीके को अरेंज करेगा जो अच्छे तरीके को अरेंज करेगा उसकी अपने राइज हाँ तो अच्छे तरीके को कौन सा राइज करेगा जो पहले से मौजूद है जो जो छोड़ चुके हैं उसको राइज करेगा ना कि कोई दिन में अपना नया काम जारी कर देगा जाहिल आदमी। बेवकूफ 20 रकात तरावी का जो है वो अबे 20 रकात तरावी साबित ही नहीं है तमाम की तमाम हदीसें ज़ईफ़ हैं तुम्हारी भाई। हाँ तुम्हारा तुम्हारी हस्ती मतलब की किताब हिदाया की जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 298 पे लिखा हुआ है कि 20 रकात तरावी की तमाम हदीसें आइमा मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ़ हैं। बिदत की जो बात कर रहा है और सही हदीस जो मैं कर रहा हूँ 11 रकात साबित है। बिदत की जो अबे बात कैसा शर्म आनी चाहिए तुम्हें शर्म तुमको आनी चाहिए पहले तुम मतलब की बात तुम्हें बता रहा हूँ तुमको नहीं मानना मत मानो तुम तो मुस्लिम शरीफ और बारे में सुन तो ले हजरत जुरेज जिसके रावी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो इस्लाम में किसी अच्छे तरीके को राइज करेगा उसको अपने राइज करने का भी सवाब मिलेगा। हाँ तो अच्छा तरीका ना दीन में कोई नया काम तो इतना राइज करना है जाहिल आदमी हदीस खुद ही पढ़ता है खुद ही तेरे समझ में आता है अकल के अंदर समझ में आ रहा है पहले सुन तो ले पूरी बात नहीं मतलब कहीं करता कहीं की टांग जोड़ के तू दीन में नए नए मतलब भाई काम को याद कर देगा मेरे नबी ने फरमाया कि सबसे बदतरीन काम जो है वो दीन में नई नई चीजों का इजाद करना है और हर नई चीज जो ईजाद की जाती है उसको बिदत कहते हैं और हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम की आग है। तो यही तो तुम लोगों ने हदीस पकड़ ली है कि हर बिदत का माज अल्लाह नबी का खुतबा था हर बिदत गुमराही है। अबे और तू कह रहा है कि ये बिदत अच्छी भी होती है बुरी भी होती है काली भी होती है पीली भी होती है नीली भी होती है हरी भी होती है। अबे ये तेरी अम्मा दीन में दहेज लेके आई जाहिल आजम काली और पीली बिदत का कहाँ से नाम ला रहा है तू हुजूर के जमाने में था। तुम लोग कुछ भी बना सकते हो ना बिदत में भी बिदत तुम लोग याद कर सकते हो इतने बड़े बिदत मुस्लिम शरीफ और मिश्कात शरीफ में हदीस अबे मुस्लिम शरीफ के तेरे समझ में नहीं आएगी मुकल्लिद जाहिल होता है अगर उसके हदीसी समझ में आ जाती तो वो इमाम की अंधी पैरवी ना करता। अगर तू इतना बड़ा आलिम बन रहा है तो चल औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह मा तजवीद के साथ में भाई तू इतना बड़ा लामा बन रहा है तो कुंडे को अरबी में क्या कहते हैं बता। मैं क्या बोल रहा हूँ बात को घुमा के रहा फिर मैं बात क्यों घुमा रहा है कुंडा बनाता है तो उसको अरबी का नाम बताना जाहिल आदमी सिर्फ औज़ु बिल्लाह चप्पल जूता पहन के फोन करते हो और फौरन भागने की तैयारी में रहते हो इस टॉपिक से उधर भागे उस टॉपिक से उधर भागे। अगर तू खुद को इतना बड़ा अल्लामा समझ रहा है ना सिर्फ औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह मैं जाहिल मुकल्लिदों के लिए अल्लामा हूँ तुम्हारे बड़े बड़े अल्लामा आलिम उल्लूमा मेरे नाम से भागते हैं तुम्हारा फारूक खान लैपटॉप बाबा तुम्हारा हनफी कालीशा बाबा तुम्हारा अल्लामा अहमद ठीक और तुम्हारा भाई हाफिज एहसान इकबाल कादरी पादरी सबसे बात कर चुका हूँ सब लोग भाग चुके हैं तुम्हारे जितने भी खबीर को मेरे पीछे छोड़ दिया है। जोकर नायक जो अभी तक इंडिया में नहीं आया भाग इंडिया के तेरे बाप का है जाहिल आदमी
अबे बेवकूफ, तो जाके नायक से सुन बात साले, उसको कुरान शरीफ की आयत तो पढ़नी आती नहीं है, बात करता है अबे तो तेरे अल्लामा फारूक खान लैपटॉप बाबा को कौन सा कुरान पढ़ना आता है, उसको एक हदीस तो पढ़नी आती नहीं है, वो हदीस पढ़ते है मत पप्पा पता नहीं क्या बोल जाता है, एक छोटी सी हदीस पढ़ना नहीं आता उस जाहिल को, और अहले हदीसों को चैलेंज करता है। बोला अपने लैपटॉप बाबा को, उसका लैपटॉप जैसे ऑफ हो गया समझ लो तेरा फारूक खान लैपटॉप बाबा ऑफ हो गया, वो लैपटॉप पे देख के भी नहीं पढ़ पाता है सही, इतना बड़ा नया मुकलबिद है वो। जाकिर नायक ये जोकर, डॉक्टर जाकिर नायक के पैरों की धूल के बराबर नहीं है। अबे जोकर नायक जो है वो का एजेंट जो है जाके मजमा देख रहे हो, डॉक्टर जाकिर नायक की जो तकरीरें होती है उसमें कितने सारे लोग आते हैं, और तेरे ये जोकर लैपटॉप बाबा की जब तकरीर होती है तो इतना दिक्कत लोग आते हैं। मेरे नाम से तेरा फारूक खान लैपटॉप बाबा, उसको अफू खान का नाम बता देना, पेशाब मेरे भाई पेशाब निकल आएगा उसका। अबे वो जाहिल आदमी, मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो बहुत, अबे मुझे क्या पता तू क्या बोल रहा है, बोलता तू है पूछता मुझसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मेरे को क्या पता, मेरे को तेरे पीर बाबा की तरह इनमें गैप थोड़ी ना है। अबे जाहिल आदमी मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, जाहिल मुकल्लिद होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा होता है, जो इजमा को ना माने वो काफिर होता है, तो क्यों इजमा मान लो मेरे भाई, तू काफिर बने जा रहा है। बिस्मिल्लाह पढ़ के सुना दे, तू कोंडे वर्गे में क्या कहते हैं जल्दी बता दे, मैं तुझे औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरे फातिहा सूरे बकरा सब पढ़ के सुना दूंगा, तू कोंडे वर्गे में क्या कहते हैं चल बता, पहले जो बात चल रही है उसको बता दे तू पहले, समझ रहा है क्या। मैं तेरे से पूछ के आया था जो मैं मतलब जब पहले तू पूछेगा बात कहूँगा, जाहिल बिस्मिल्लाह पढ़ के सुना, अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे आला हजरत का कॉल है, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं, तो तुम लोग कौन कर करके भोगते हो। अबे जाहिल उसका पूरा मतलब समझाए, हाँ पूरा मतलब भाई मैं समझ गया हूँ, आला हजरत कुत्ता था। अबे कुत्ते से क्या मुराद है, अबे कुत्ते से कुत्ता मुराद होगा ना, कुत्ते से बिल्ली चूहा थोड़ी ना मुराद होगा, जाहिल आदमी कैसे मतलब सवाल पूछते हो। कुत्ते से जो बोल रहा है ना तू, उससे वफादारी होती है और तुम लोगों में वफादारी है। अबे कुत्ते वफादार कहाँ होते हैं, किस जाहिल ने कहा, आज तू मेरे मोहल्ले में आ, तुझे ऐसे ऐसे भाई मैं कुत्ते दिखा रहा हूँ, जिस मालिक का खाते हैं उसी मालिक को काट लेते हैं। अबे जाहिल कुत्ता वफादार नहीं होता, ये कोई मिसाल नहीं होती है, अल्लाह ताला ने इंसान बना के दिया है, तो अपने आप इंसान को क्या होता है, मैं कुत्ता हूँ कुत्ता हूँ कुत्ता हूँ। तुम्हारा इलियास बीच पब्लिक में कहता है कि मैं गौसे आजम के कुत्ते का भी कुत्ता हूँ, यानी कि डायरेक्ट कुत्ता नहीं है, गौसे आजम का जो कुत्ता है उसका भी कुत्ता है इलियास कादरी, तो तुम लोग अपने आप को कुत्ता क्यों बोलते हो यार। अबे जाहिल सुन तो ले पहले, अल्लाह ताला ने इंसान बना के भेजा, तुम लोग अपने आप को कुत्ता 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 बोलते रहे, तो शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को। अबे सूरह कैफ नहीं पढ़ी है तूने, सूरह कैफ का वाकया नहीं पढ़ा तूने, सूरह कैफ नहीं पढ़ी है, तो सूरह कैफ में मेरे भाई अल्लाह ताला ने कब कहा कि अपने आप को कुत्ता बोलो, कौन सा आयत में था पहले पूरी बात, कौन सा आयत में था, जब वो माशाल्लाह कुरान से अपने आप को कुत्ता साबित कर रहा है, इतने तेरे बुरे दिन आ गए, अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा तौबा, कुत्ता साबित नहीं कर रहा पहले पूरी बात, अच्छा, साबित क्या करना, वो तो कुत्ते तुम लोग हो ही हो, तुम्हारे आला हजरत भाई झूठ बोलते नहीं हो, तुम्हारे आला हजरत ने 100% कहा है कि वो भी कुत्ता था उसके बच्चे भी कुत्ते हैं, बिल्कुल सही कहा आला हजरत ने, हम आला हजरत की बात को मानते हैं, आला हजरत की बात हमारी सलाखों पे, हम आला हजरत को भी कुत्ता मानते हैं, उनके बच्चों को भी आला हजरत का कुत्ता मानते हैं, मतलब के लिए तो तुम कुछ भी बना लेते हो, किसी को कुछ भी बना लेते हो, किसी को मेरे भाई तुम्हारा आला हजरत कह रहा है कि मैं कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे कुत्ते हैं, मैंने भाई दोनों को कुत्ता मान लिया, इसमें मेरी क्या गलती है भाई, दूसरे के बाप को तुम अपना बाप बना लेते हो, यही तो नहीं, ये सब तो आदत आप लोग की है ना, हलाला सेंटर आप लोग का बंद हो गया तो आप लोग को इस समय दिक्कत हो रही है, मालूम है, अबे हरामियों की नस्ल तो हो तुम लोग, किसी दूसरे के बाप को अपना बाप बना लेते हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, मैं अपने बाप को अपना बाप कहता हूँ, तुम्हारी कराती हूँ कभी तुम्हारे वो मतलब तुम्हारे बाप हो जाते हैं, कभी दस्तावेज तुम्हारे बाप हो जाते हैं, कभी मतलब गरीब तुम्हारे बाप हो जाते हैं, तुम्हें मिलती है सारे बाप है तुम्हारे पास, फूट फूट के पड़ जाते हो, दूसरे के बाप को अपना बाप बना लेते हो, अबे शर्म करो, चलो अच्छा बोल बच्चन बंद करो, फोन काटो, तुम्हारी आज के लिए जो पिटाई हुई है इतनी काफी है, ठीक, अब डेली पिटाई करवाना हो तो डेली फोन हमको एक बार कर लिया करना, ठीक, अभी तो आज मजारों का जो फूट सवार है ना ये उतार दूंगा इंशाल्लाह, कुरान अभी तो खुद को इतना बड़ा अल्लामा समझ रहा है, कुरान और हदीस अल्लामा हो तभी तो तेरे जैसे जाहिल लोग फोन करके उल्टे सीधे सवाल करते हैं, इतनी बात करने की औकात नहीं है तेरे को, अबे जाहिल आदमी ये इल्मी बात नहीं है तो, और क्या औज़ु बिल्लाह नहीं आती है, औज़ु बिल्लाह सीखने के लिए फोन किया तूने मुझे, हाँ चल सिखा दे चल, नहीं क्या तेरे आलिम क्या मर गए हैं, अकाल पड़ गया सीखने के लिए, तू ये इकरार कर ले अपनी जबान से कि भाई मेरे सारे आलिम को
मौत आ गई है, अब मुझे आपसे सीखना है, अभी सिखा देता हूँ। मौलवी तो सारे जाहिल हैं, लाके तो करना है, जो नाम ले रहा एक तरफ जाहिल बोलता है, एक तरफ कहता है मुझे औजुबिल्लाह सिखा दो, अजीब आदमी जाहिल हो सकते हो क्या तुम लोग? जोकर नायक को कुछ भी नहीं आता, औजुबिल्लाह भागा भागा बात शुरू, ये मुकद्दर की भागा भागा कर रहा है, भाई जैसे मुकद्दर की तुम पे पैर रखो ना मुकद्दर पर बढ़ाने लगता है। वैसे ही तुम्हारी भाई मैंने आपके दुख से पैर मार दिया है, अब आप कहीं भाग नहीं सकते, जल्दी बताइए कुंडे गर्भी में क्या कहते हैं? दूसरे के बाप को अपना बाप बना लिया, दूसरे अरे कुंडे गर्भी में क्या कहते हैं बताओगे मेरे भाई की नहीं बताओगे? बिस्मिल्लाह पढ़ के सुना, बताओ ना कुंडे गर्भी में क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ के सुना, कुंडे गर्भी में क्या कहते हैं?